50 साल तो जिंदगी भी नहीं है तेरी। अरे मेरी जिंदगी नहीं है बट दुनिया का है ना 50 साल पुरानी। Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Hi guys. Hi guys, welcome back to another vlog of PUMPM. I hope everyone is doing absolutely fine. So, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो ये थोड़ी सी अलग जगह आपको दिखेगी. So, this is basically, हम I think गुजरात enter कर चुके. वीरेन गुजरात enter कर लिया? नहीं. ओके, हमने गुजरात एंटर नहीं किया. एक्चुअली वी आर गोइंग टू दमन. एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुई है और मेरे दोस्त लोग रात को आ गए और मुझे लोनावला बोल के दमन ले आए. कपड़े भी मतलब ऐसे ऑन द वे उठा लिए. वो कैसा होता है ना, वॉशरूम के लिए तो रुकना ही पड़ता है, तो हम लोग गुजरात के पहले ज़रा सा हॉल्ट वॉल्ट के लिए रुके हुए हैं. सो गाइज, अभी भूख तो लगी है तो हम लोग एक होटल में आए हैं. होटल का नाम है होटल आराम करके. बहुत भूख लगी है. इट्स आई थिंक 1:30 और मैं गाड़ी नहीं चला रही थी, मैं मेरा फ़ोन भूल गई थी तो लेने आई हूँ. हम लिटरली अभी सोके उठे. इट्स अराउंड 8:30 और बहुत भूख लग रही है. पता नहीं नीचे मुझे क्या, हमें क्या मिलेगा. लड़के लोग तो नीचे गए हैं अभी खाना देखने के लिए. हम जाएंगे 5 मिनट में. आई विल कैच यू देयर. एंड लुक एट द मेस वी हैव क्रिएटेड. 4 लोग और ये हमारे वीरेन की जगह एसी के सामने. भाई साहब, इतनी अच्छी बर्गर, इतनी अच्छी कॉफी, क्या मस्त है. जाती है, देख, आई ना.
सो अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं बॉम जीसस चर्च और यहाँ हम लोग आई थिंक 4:35 लोग को आए और यहाँ सब कुछ बंद हो चुका है। सो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो तो दोपहर को ही जाओ चर्च वगैरह और फिर शाम को बीचेस जाओ, ये मेरा सजेशन होगा। हम एक्चुअली जामपुरा बीच जाने वाले थे बट अब मुझे पता नहीं कि कौन सा बीच है बट लुक्स प्रिटी नाइस। अरे तू मुड़ी क्यों? उतर के नीचे जाना चाहिए। ये वापस लेना, वापस ले। ये नीचे कहाँ जाऊँ मैं? ये तो एक्चुअली जम्पोरा बीच ही है और यहाँ पे सब मेरे दोस्तों फोटोज के पीछे पड़े हैं। यहाँ सब गेम वेम खेल रहे हैं। कहीं वापस तेरा लेगामेंटर तो नहीं हो गया? क्या हो गया? तू लाइफ में एक ही रील बनाने वाला था। Little sweet and spice, throw it all in a cauldron, mix it up real nice. ये हम हैं, ये हमारी काव है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी उगवाड़ा बीच पे है, उड़वाड़ा, ओके उड़वाड़ा बीच पे है गुजरात में। सो सनसेट के लिए आए, देखते और यहाँ हमारा सनसेट होने वाला है। मम्मा ये शिट, इसलिए मैं बोला था पीछे गाड़ी मत लो। यो यहाँ पे काटे, उफ ये पूरे काटे हैं, काटे वाले झाड़, काटे नहीं झाटे।
यहाँ हम लोग एक्चुअली सनसेट के लिए आए हुए हैं और यहाँ ओ हो मज़ेदार बीच है। एक्चुअली ये गुजरात में है बेसिकली, ये दमन में नहीं है। हम लोग दमन में आए थे बट देन सोचा कि ज़रा ये सनसेट देखा जाए इसे, क्योंकि बिकॉज दमन में ना बहुत सारे बीचेस बहुत ओवरक्राउडेड है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। होल्स भी है बट स्टे से ओ हो वैलेंटाइन स्पेशल। यहाँ पे ना मतलब इतनी मतलब इतना सही बीच है ना, यहाँ पे बहुत सारे शेल्स मिले हैं आपको, देखिएगा बहुत सारे शेल्स का लेके है। और मेरे सारे दोस्त लोग फुल टाइम पास कर रहे हैं, मैं तुमको बताती हूँ क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे क्राउड देखो बहुत ही कम है, मतलब इतना कंपैरेटिवली अगर आप दमन में जाओ ना प्रॉपर दमन में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो दिखाया था वो जो पहले वाली जो बीच थी वहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत कम क्राउड है। इसके लिए आप बहुत सही चिल कर सकते हो, फ्रेंड्स फैमिली दोनों के साथ आओ तो हमेशा, मतलब दमन की बीचेस तो सही होते हैं। मेरे दोस्तों मुझे देख रहे हैं ब्लॉग करते हुए, तो एक मिनट। हाय क्या हो गया, देखो ठीक नहीं है। हैशटैग कई पत्थर तो उड़ते हुए देखना चाहिए। हाँ नॉट बैड। हम लोग ने जस्ट चेकआउट किया है और बुरा एक्चुअली रूम इतना बुरा नहीं था वैसे, बट ना सर्विसिंग थोड़ी सी ऐसी, मतलब थोड़ा सा सब कुछ लेट होते जा रहा था। बट स्टिल अगर आपको बजट फ्रेंडली और ढंग का रूम चाहिए तो मतलब ठीक है, मतलब और खाना भी इतना कुछ बुरा नहीं था अगर आप। और यहाँ पे खाना 10:30 को लास्ट मिलता है, आई थिंक यहाँ पे सारे होटल्स में यही होती है। इसके सामने एक बीच हम लोग गए नहीं, इट्स काइंड ऑफ दादर चौपाटी ऐसे सब लोग बोल रहे थे, तो हम लोग गए नहीं है फिलहाल। सो यस वी आर गोइंग नाउ बैक टू मुंबई। और यहाँ पे सब जगह पे एज यूजुअल दमन है, इसके लिए तो सारी जगह पे वाइन तो होगी ही। तो हमारे होटल के सामने जस्ट वाइन है, पीछे आप देख सकते हो। और यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती थी ना, मतलब कि क्या ही बताओ, एवरी टाइम हम लोग विंडो के इधर आते थे यहाँ पे सारे लोग बैठे। And the spell will take effect under the moonlight. Stay close to my side. We're burning so bright. निकलते निकलते सोचा थोड़ा मॉनेस्ट्री वगैरह घूमा जाए, क्योंकि फोटोज लेना तो इम्पोर्टेंट है ना। मतलब यहाँ पे ना फोटोज लेने के लिए तो बहुत ही मज़ेदार व्यू है और फ्रेम है, जैसे लोग फोटोग्राफर्स बोलते हैं। बाय वीरेन, इस हाय वीरेन, थक गया बेचारा यार काम कर करके गाड़ी चला चला के उसकी ब्रेक ही नहीं लग रही। अब भूख लगी है तो कहीं तो रुकना पड़ेगा ना।
दिस इज द एंड ऑफ आर जर्नी. आई होप आपका एक छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो मेरा. ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज यहाँ पे हम लोग सब चिल करने आए थे. मैंने अभी जस्ट खाना खाया. मैंने आपको दिखाया कि हमने पास्ता पिज़्ज़ा और यार ये कंफर्ट फूड होता है. और हम लोग निकल रहे हैं. बहुत धूप है इधर. अगर आप दोस्तों के साथ आ रहे हो तो ये सोच के आना कि शाम को 4-5 बजे ही निकलो. ज़्यादा लेट मत निकलो क्योंकि जल्दी रात हो जाती है और फिर सब शॉप्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं. आई होप यू एन्जॉयड माई वीडियो एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ PUMPM एंड डोंट फर्गेट टू लाइक मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी देयर एज वेल. टिल देन ta-da. Under